मुरादाबाद में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी थाना क्षेत्र और पुलिस चौकियों में शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है और सभी से आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के लिए अपील हो रही है। शुक्रवार को मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र अंतर्गत अगवानपुर नगर पंचायत पुलिस चौकी पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम सदर परमानंद सिंह, संचालन चौकी प्रभारी द्वारा किया गया। इस दौरान एसडीएम सदर ने सभी स्थानीय नागरिकों से ये जानकारी ली कि होलिका दहन में क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है और शबे बारात के दिन होने वाले सभी कार्यक्रमों में किसी प्रकार की कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हो रही, जिस पर सभी स्थानीय नागरिकों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में हर त्योहार हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम सदर ने कहा कि शांति समिति की बैठक आज अगवानपुर नगर पंचायत की पुलिस चौकी पर आयोजित की गई है, जिसमें सभी धर्मों के लोग यहां पर आमंत्रित हैं और सभी ने अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं रखी हैं। साफ सफाई, पद प्रकाश की व्यवस्थाओं के साथ अनेक समस्याओं को लेकर आवाज उठाई गई, जहां पर एसडीएम सदर ने इन समस्याओं के समाधान की बात भी कही। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम सदर ने यह जानकारी दी कि आज आगामी त्योहारों को लेकर अगवानपुर पुलिस चौकी में सभी स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक हुई है और सभी से अपील की गई है कि सभी लोग सभी त्योहार हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर मनाएं। देखिए, अभी आगामी हमारे त्यौहार आने वाले हैं, जैसे होली का त्यौहार है, शबे बारात का त्यौहार है, उसी के संबंध में आज अगवानपुर चौकी पर अगवानपुर नगर पंचायत और आसपास के क्षेत्र के जो गाँव हैं उनके जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और जो धर्मगुरु हैं उनके साथ जो है शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें सभी लोगों से यही अपील किया गया है कि जो आगामी त्यौहार आ रहे हैं उनको सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे और किसी प्रकार की छोटी मोटी अगर घटना होती है तो आपस में बातचीत के द्वारा उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे और साफ सफाई व्यवस्था के लिए नगर पालिका जो नगर पंचायत भगवान जो है उसको निर्देशित करते हैं कि जो भी होलिका दहन के स्थान है उस पर जो है साफ सफाई व्यवस्था कर दी जाए और सभी बारात पर जहाँ जहाँ मस्जिदों पर और नमाज होती है और कब्रिस्तानों पर दीप प्रज्वलन होता है, प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, तो वहाँ भी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें। कुछ लोगों ने एक चट्टा पाल के यहाँ पर थोड़ा मौका नदी उस पर पुल के भी काफ़ी एक इशू उठाया है जो यहाँ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उसके संबंध में अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता करके उसके समाधान का प्रयास किया। विवादित स्थल पर क्या कहना चाहते हैं? यहाँ कोई वैसा विवादित स्थल है नहीं, विवादित स्थल अभी आपसी बातचीत में पता चला है कि सब चिन्हित स्थल है, 9 जगह होलिका दहन होता है, तो कोई ऐसा स्थल है नहीं। और बैठक में इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स गजेंद्र सिंह, जमशेद खान, रिजवान मिल्की, सरताज अली, हाजी वकील, निवर्तमान चेयरमैन पुत्र इमरान मिल्की, बब्बू ठेकेदार इकराम, दानिश सैफी, अंशुल गुप्ता के साथ भारी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। बैठक संपन्न होने के बाद अंशुल गुप्ता और दानिश सैफी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में हर त्यौहार हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मनाते हैं और सभी लोग एक दूसरे का भरपूर सहयोग भी करते हैं। आज होली और शबे बारात को लेकर क्या क्या तैयारी बताएं? क्या क्या तैयारी है? साहब से सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था और जो क्षेत्र की समस्याएं होती है गंदगी में उनके बारे में बताया गया। किसी तरीके कोई विवाद नहीं? किसी तरीके कोई विवाद नहीं, अगवान को यार मोहब्बत के काम बनाया गया। अच्छा, चट्टा पुल की बात रखी गई? हाँ, चट्टा पुल की पूरे समाज में पूरी बस्ती ने मांग रखी है एसडीएम साहब से कि हमारे यहाँ चट्टा पुल हो जिससे हमारे यहाँ रोजगार खुले, द्वारा जो गाँव बढ़ाने आएंगे तो उससे रोजगार खुलेगा। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन मिला है कि वो जो हमारी मांग है चट्टा पुल की जल्दी अधिकारियों को संज्ञान में डाल के जल्दी इसका काम लगवाए। सबसे पहले तो सभी देश प्रदेश व नगर पंचायत वासियों को आने वाले त्यौहार होली व शबे बारात की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। ये सारे त्यौहार सभी क्षेत्रवासियों के लिए मंगलकारी हों। आज की मीटिंग आगामी त्यौहारों को लेकर थी। नगर पंचायत में साफ सफाई की व्यवस्था और शबे बारात पर कब्रिस्तानों की सफाई और बिजली जो है कम न पड़े आने वाले त्यौहारों पे उसको लेकर हमारे एसडीएम सदर और माननीय इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स और चौकी इंचार्ज अगवानपुर ने आज यहाँ अगवानपुर चौकी पर बैठक की। किसी विवाद होने की कोई सूचना तो नहीं है? विवाद तो त्योहारों पे मैं मानता हूँ अगवानपुर चौकी संबंधित कभी कहीं हुए ही नहीं है और ना आगे ऐसे होंगे, ऐसी मैं काम करता हूँ।